तो दोस्तों, अजीत डोवाल जी का गांव, घनानंद जी का गांव, नरेंद्र सिंह नेगी जी का पैतृक घर और साथ ही साथ में गढ़वाल के राजा की जो राजधानी थी देवलगढ़, जो कि उनकी कुल देवी हैं, तो वो कहानी भी मैंने आपको बताई है। तो आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गढ़वाल का एक ऐसा लाल हेमवंती नंदन बहुगुणा, जिनके नाम पे हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी है उत्तराखंड में, और ये लाल वो था जिसने इंदिरा गांधी को भी टक्कर दी थी। नंदन बहुगुणा, जिनका नीचे नाम से कॉलेज भी है, बुगाणी है ये, खिरसू 14 किलोमीटर और पीछे श्रीनगर 17 किलोमीटर। तो बहुगुणा जी के घर को ही संग्रहालय बना दिया सरकार ने। ये साइड से ही रास्ता जा रहा था नीचे को, हमें नहीं पता था, तो वो गाड़ी के लिए रास्ता है, गाड़ी से सीधा वहाँ जा सकते हैं, तो हम आगे चले गए थे, फिर वहाँ से हमें पैदल नीचे उतरना पड़ा। ठंडा 18 किलोमीटर दिखा रहा है, श्रीनगर 17, खिरसू 14, बुगाणी यही है। ये उनका गाँव है ना, वो जो हेमवंती नंदन बहुगुणा है। अच्छा, पैतृक गाँव है उनका, तो ऐसा कुछ गाँव है। बहुत से लोगों को इनके बारे नहीं पता होगा, यूपी के ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इंदिरा गांधी को बहुत तगड़ी टक्कर देते थे। कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते थे और इंदिरा गांधी को इस चीज़ का डर रहता था। तो अभी हम चलते हैं पैदल पैदल नीचे गांव की तरफ, तब तक आप ये छोटा सा एक क्लिप देखें और फिर हम आगे आपको दिखाते हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा जी का घर। बहुगुणा के बारे में ये कहा जाता था कि अगर उनकी लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती गई तो वह एक दिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं पुराने घरों के। तो कहा जाता है कि इस गांव में पहले के टाइम पे 60-70 परिवार रहा करते थे और अब सिर्फ यहां पर 12-13 परिवार रह चुके हैं। तो सभी के सभी पलायन कर चुके हैं, अब ये गांव भी खाली हो चुका है। वो तो थोड़ा सा यहाँ पे जो संग्रहालय बनाया गया है तो उसके बारे हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सभी का घर जो है वो कुछ टूटे हुए हैं और बहुत ही पुराने पुराने, इतने अच्छे घर लग रहे हैं लेकिन सब में ताला लगा हुआ है। आते होंगे कभी, पूजा होती होगी या वैसे कभी आते होंगे जून की छुट्टियों में। तो ये हाल हो चुके हैं उत्तराखंड के गांव-गांव के, और ये यहाँ जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के, और इनके बेटे जो विजय बहुगुणा है वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के। तो यहीं पे डाकघर भी है, देखो गांव के अंदर डाकघर, क्या बात है। भैया यहाँ पे क्या है देखने वाला, वो अपने क्या थे। अच्छा, यहाँ आते हैं लोग। अच्छा अच्छा, यहाँ आते हैं लोग सारे, आते हैं सब। अभी आपसे पहले आए थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जन्मे हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के सीएम की कुर्सी पर 2 बार बैठने वाले हेमवती बहुगुणा। तो ये है हेमवती नंदन बहुगुणा जी मदर टेरेसा के साथ में, और यहाँ पर देखो कितना पुराना टीवी है, इसमें कुछ लिखा भी है, ये 20वीं सदी का टेलीविजन है। तो 20वीं सदी का है ये, और पूरा संग्रहालय बनाया हुआ है जो भी उनके सामान थे। अभी इतना डिटेल में तो हम देख नहीं सकते हैं, तो जो जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो देख लो कि पुराने टाइम पे ऐसे ऐसे चीजें हुआ करती थी। टोपी वाले बहुगुणा जी, जी जी। अच्छा अच्छा, वहां से वो हो गए बिज्जू पटनायक जी, चंद्रशेखर, फिर ये लाल कृष्ण जी सर, और बहुगुणा जी जी सर। जगजीवन राम जी के साथ फोटो, ये पीडी टंडन जी के साथ फोटो। तो यहाँ पर सब पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई है, साथ में उनके जो पॉलिटिशियन कलर की जितनी भी फोटोज वगैरह हैं वो भी लगी हुई है। ये देखो 1974 में बद्रीनाथ मंदिर से उतरते हुए, ये 1975 में पहाड़ में ग्रामवासियों से मिलते हुए, कैसे लग रहे हैं पूरे पहाड़ी लोग उस टाइम के। और ये कुछ वेशभूषा अलग ही इनकी, ये इंदिरा गांधी जी के साथ फोटो, और ये कुछ पुराने बर्तन, ओ पुरानी चूहेदानी, तो ऐसे थी पुरानी चूहेदानी, सिमिलर है, थोड़ा सा ही फर्क है अभी वाली से। तो ये दूसरी साइड से ऊपर जाते हुए, यहाँ पर भी कुछ घुड़सवारी करते हुए फोटो है, जवानी की फोटो है,
ये उनके ऑफिस का कार्यालय बनाया गया है। तो यहाँ पे भी कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं, एक एक तो अभी देखना बताना पॉसिबल नहीं है, बस मोटा मोटा देख लो। तो ये 1973 में जब मुख्यमंत्री बने थे विधानसभा से निकलकर जनता का अभिवादन करते हुए, ये इंदिरा गांधी जी के साथ, ये कुछ आदिवासियों के साथ हैं और उनकी गोद में उनकी पोती उर्वशी है। ये रानी खेत 1975 की फ़ोटो है, रानी खेत में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये हॉकी वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के साथ लखनऊ की फ़ोटो है, ये उधर टोकरियां भी रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस वगैरह हैं ये सारे, ये अपना वो अपने राजीव गांधी जी, तो ये सारे मैसेजेस जो उनको दिए होंगे। तो ये एलके अडवाणी और मुलायम सिंह यादव के साथ लोकल दल विक्ट्री इन द हरियाणा इलेक्शन। और ये कुछ पता नहीं किसकी स्वेटर रखी है पुराना, अरे चल पड़ा ये तो तो ये इसमें बस पढ़ते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे भी है कुछ, तो ये उनकी पूरी फैमिली है बहुगुणा जी की, प्रणब मुखर्जी के साथ जो कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके साथ बहुगुणा जी की पूरी फैमिली की फ़ोटो। तो ये नरसिंह देवता जी हैं, उनके कुल देवता हैं ये। और ये राज्यपाल अकबर अली इनको मुख्यमंत्री बनने पे 1974 में शपथ दिलाते हुए का फ़ोटो। और ये हाउस एड्रेसिंग बाय हेमवंती नंदन बहुगुणा जी, तो ऐसा कुछ एक बनाया गया है। और यहाँ पर ऐसे एक कुछ ये डोली टाइप है क्या, शिप तो नहीं, नाव है, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे भी बंठे बुंठे हैं, ये पानी की गागर, जवानी के दिन के फोटोस, फैमिली के साथ फोटोस, ये पूरी फैमिली, बहन, परिवार। तो फोटोज देखते देखते हमें ये पता लगा कि भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, जिन्हें बीसी खंडूड़ी के नाम से जानते हैं, वो भी उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं और वो हेमवंती नंदन बहुगुणा जी के बहन के बेटे हैं, मतलब उनके भांजे हैं। तो वो बीजेपी से बने थे और ये उसकी एक अलग स्टोरी है, वो बाद में बताएंगे इनके। अच्छा, ये भांजे थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके ना, ये मामा को बगेल के ना, ये भी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी मामा फूफ बघेलर के हुए दोनों खास। तो चिट्टे कुर्ते में जो हैं वो हैं विजय बहुगुणा जी, जो कि हेमवंती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं। तो ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, और साथ में हैं खंडूड़ी जी, ये भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि जब विजय बहुगुणा जी को राजीव गांधी ने टिकट नहीं दी थी तो बीजेपी ने उनके फिर अगेंस्ट खड़ा दिया, कांग्रेस के अगेंस्ट खंडूड़ी जी को। खंडूड़ी जी फिर इलेक्शन जीत गए थे और चीफ मिनिस्टर बन गए थे बीजेपी की तरफ से। फैमिली के ही हैं सारे मुख्यमंत्री। तो ये पैतृक घर था उनका और यहाँ पे अब संग्रहालय बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर ऐसे फिर उसके बाद एंट्री उंट्री करते हैं, यहाँ पे सारी उनकी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये है रीता बहुगुणा, बीजेपी की तरफ से ये भी मंत्री हैं यूपी के, और ये हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। और ये हैं सौरभ बहुगुणा, ये हेमवंती नंदन बहुगुणा के पोते हैं, और विजय बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे, और ये भी अब उत्तराखंड में मंत्री हैं। बहुगुणा ने एक बार बीबीसी से इंटरव्यू में कहा था, मेरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मेरे और इंदिरा गांधी के बीच एक बुनियादी बात पर झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ कर करूंगा। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है, इतने बड़े प्रदेश को चलाने वाले मुख्यमंत्री को अपना फैसला खुद लेना होगा। मैंने उनसे साफ कहा जाता है कि इस वक्त तक वो कांग्रेस में इतना अपमानित हो चुके थे कि उन्होंने कांग्रेस को मिटाने की कसम खा ली थी। इंदिरा के चुनावी साख पर बट्टा लगाने वाले बहुगुणा से राजीव गांधी ने 1984 में बदला लिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुगुणा इलाहाबाद से लड़े, उनके विरोध में राजीव गांधी ने अपने दोस्त बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। बहुगुणा ने अमिताभ के खिलाफ कई नारे दिए, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना के नारों के बावजूद बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से हराया।
1989 में बहुगुणा का निधन हो गया। बहुगुणा नेता तो हटकर थे, आज भी आम लोग उन्हें माटी के लाल और शेरे गढ़वाल कहते हैं।